गुड मॉर्निंग। अभी आप देख रहे हैं मेरे पास तीन रेडियो हैं। ये नया वाला चैंपियन है, ये पुराना चैंपियन है और ये मेरा एक्सेस डेटा का D808 है। तीनों में भी हम ये चेक करने वाले हैं जब इलेक्ट्रिसिटी होती है घर में तो किस पे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है या डिस्टर्बेंस किस पे ज़्यादा होती है या फिर बराबर होता है। तीनों को बारी बारी से चेक करते हैं, खुद चेक कर पाएंगे कि किस पे ज़्यादा डिस्टर्बेंस है या फिर तीनों पे बराबर है। इस वीडियो को शुरू करते हैं और प्रोसेस में फॉलो करूँगा। मैं एक स्टेशन ट्यून करूँगा आकाशवाणी का पटना केंद्र मीडियम वेब पे और देखते हैं कि इस स्टेशन पे मीडियम वेव के इस स्टेशन पे किस पे ज़्यादा डिस्टर्बेंस है या किस पे कम है या फिर तीनों पे एक ही समान है, अभी पता चल जाएगा। इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करने पे नए वाले चैंपियन के साथ सुनिए, मैं ट्यून कर रहा हूँ। वॉल्यूम ऑलरेडी मैंने ट्यून कर दिया है आकाशवाणी का पटना केंद्र, जिसकी की फ्रीक्वेंसी है मीडियम वेव पे 621 किलोहर्ट्ज़ और अगर आप मीटर की बात करें तो 483.1 मीटर पे होता है। मैं वॉल्यूम अप कर रहा हूँ, सुनिएगा। यहाँ पे स्टेशन ट्यून है लेकिन देखिए आवाज़ कुछ भी नहीं आ रहा है और मैंने यहाँ पे चार्जर को ऑन किया हुआ है। एक बार इसको मैं ऑफ करता हूँ, देखते कुछ फर्क आता है। बस साउंड में थोड़ा सा फर्क आया लेकिन स्टेशन अभी भी नहीं सुनाई पड़ रहा है। ये फिर से ऑन कर देता हूँ और नए वाले रेडियो के साथ एक चीज़ मैंने अनयूजुअल मैंने देखा है। अभी तक के जितने भी मैंने रेडियो देखे थे जिसमें कि एंटीना लगा होता था उसमें एंटीना को टच करने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन ये वाला जो नया चैंपियन लॉन्च हुआ है इसमें देखिएगा। मैं अभी देखिए यहाँ पे ये ऑन कर रखा है, फ़ोन भी यहाँ पर चार्ज हो रहा है। यहाँ पर आकाशवाणी का पटना केंद्र ट्यून है, एरियल मैंने पूरा खोल रखा है और रिसेप्शन सुनिए कुछ नहीं है। अब इसको टच करूँगा, एरियल जब ओपन है तो कोई रिसेप्शन नहीं है। मैं इसको टच करूंगा, फर्क देखिएगा। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि किसी मीडियम वेव स्टेशन पे ये जो इंटरनल एंटीना दिया हुआ है उसका फ़र्क पड़ रहा है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है, ये फाइंड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल तो ये हो रहा है। तो मैं इस एंटीना को बंद कर देता हूँ, क्लोज़ कर देता हूँ और अब देखते हैं रिसेप्शन कैसा आता है। अभी भी नहीं आ रहा है। तो मुझे थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज करना पड़ गया, हालांकि ये डायरेक्शन पटना के है नहीं, पटना का ये वाला होता नॉर्मली इस पे। और फिर एजल को जब मैंने क्लोज कर दिया तो ये बज रहा है, सुनिए। इसको ऑफ करके देखते कोई फर्क पड़ता है। अभी इसका ट्रांसमिशन चला गया है, वो अभी कुछ देर पहले भी इसका ट्रांसमिशन गायब था। ये एक नॉर्मल ये चीज़ है जो कि मीडियम स्टेशन पे होता है, ये बार बार ट्रांसमिशन चला जाता है। अब देखिए जब मैंने चार्जर को ऑफ कर दिया तो रिसेप्शन साफ हो गया कुछ हद तक। वेट करते हैं इसके ट्रांसमिशन दोबारा से वापस आने का, फिर वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दिन के 12:30 हो रहे हैं और आप सुनेंगे महिलाओं का कार्यक्रम नारी चलेगा। तो आपने देख लिया इस पर जब मैंने एंटीना को क्लोज कर दिया पूरी तरीके से और फिर इसको ट्यून किया तो रिसेप्शन ठीक है, आप सुन सकते हैं, घर में भी सुन सकते हैं। बस आपको ओरिएंटेशन का ध्यान रखना पड़ेगा कि किस ओरिएंटेशन में बढ़िया पकड़ रहा है, भले ही साउंड कम हो जाए लेकिन साफ किस में है, डिस्टर्बेंस किस में कम है, उस एंगल में आपको सुनना पड़ेगा। तो इसमें सुनिए, 1800-420-22 पावर है और यहाँ पे मैं जब मैं यहाँ पे इसको ऑन कर दे रहा हूँ तो दिक्कत दे रहा है यहाँ पे। अब सेम चीज़ रिपीट करते हैं बारी बारी से तीनों रेडियो पे, आपको दिखाते हैं। इस पे आपने देख लिया, अब पुराने वाले पे देखते हैं और फिर एक्सेस डेटा D808 पे देखते हैं। ये है पुराना वाला चैंपियन और देखिए मैंने इसका एंटीना खोल रखा है, इसको टच करते हैं देखते हैं कोई इम्पैक्ट है या नहीं।
इस पर कोई फर्क नहीं है। तो इसको अब इसको खोल के रखें या बंद रखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। अब वहाँ से लाइन को ऑफ करते हैं, वहाँ से कनेक्शन ऑफ करते हैं, देखिएगा फर्क। और ये है पुराना वाला चैंपियन, इस पे ट्यून किया हुआ आकाशवाणी का पटना केंद्र, इस पे रिसेप्शन सुनिए। अब इसको ऑफ करते हैं, यहाँ से देखिएगा, अब सुनिए। सांस्कृतिक व्यवस्थाओं में युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है और मैंने आज के तो इसको भी क्लोज कर देते हैं एंटीना को, और लास्ट में हम तीनों को बारी बारी सबको सुना देंगे, एक ही साथ सुना देंगे, रिसेप्शन आपको पता चल जाएगा। शिक्षा के लिए अपने घर से उनको दूर जाना पड़ता है जिससे उन चलते हैं DX808 पे। और कई कारणों से जाती है जिससे उनका सेशन भी लेट हो जाता है और ऐसा होने से उनके मनोस्थिति पर भी इसका असर पड़ता है, उनका सेशन लेट होने से, और शहर में कभी कभी माहौल भी विपरीत हो जाता है जाती है और कई बार तो कोचिंग की फीस इतनी ज़्यादा होती है कि कई मेधावी छात्र अपने और अच्छी शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह जाते हैं। इस तरह की चुनौतियाँ छात्रों को, युवा छात्रों को बहुत ज़्यादा आती है और हमारे देश में विवेकानंद एक महान समाज सुधारक, विचारक और दार्शनिक थे, उनके पद चिन्हों पर तो आपने देख लिया कि डिस्टर्बेंस जब इसको ऑन करते हैं, इसको ऑन करने के बाद कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस सारे रेडियो पे हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे न्यू वाले पे लगा। एक बार फिर से इसको चेक कर लेते हैं, अब बारी बारी से चेक कर लेते हैं, आप देख लीजिएगा कितना प्रदान किया है और उन्हीं के सामने चुनौतियाँ भी हैं। ऐसे में बहनों हम अभी आज़ादी मिलना जरूरी है और पैसों के कारण कभी कभी हम उनके उच्च शिक्षा में सहयोग नहीं कर पाते, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं, बच्चे तो तुरंत विचलित होने लगते चाहे वो युवा। और शिक्षा लोन मिलता है तो उसके लिए भी पता करें, और कई बार स्कूलों में बच्चों को स्कूल के बाद कॉलेज में तो रिजल्ट आपने देख लिया, नया वाला चैंपियन ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर इसको हम किसी भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास अगर उसमें पावर कनेक्शन ऑन करके यूज़ करते हैं, जैसे आप किसी चार्जर को यूज़ कर रहे हैं और वो ऑन है, तो इस पर ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। अगर मैं इसको दूर थोड़ा रख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मैं चेक करना चाह रहा था कि नज़दीक अगर मैं इसके रखूँ तो कौन किस पे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, इस पर काफ़ी दिक्कत होती है। उसके बाद आपका ये वाला पुराना वाला आता है और फिर DX808, और मेरे समझ से ये दोनों बिल्कुल सेम है इन मामलों में, नया वाला ज़्यादा सेंसिटिव है। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल गया होगा कि डिस्टर्बेंस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से किस पे ज़्यादा होता है, अगर आप किसी प्रॉपर बोर्ड के नज़दीक पावर ऑन करके अगर आप यूज़ करते हैं तो। ऐसा नहीं कि मैं इसको सुनने का मुझे दूसरा भी जगह है, लेकिन इसको चेक करने के लिए आपको मैंने लाइव दिखाया, हो सकता है आपको ये वीडियो थोड़ा सा यूज़फुल लगा हो। आप भी ट्राई कर सकते हैं अपने घर में, अगर आपके पास 2-3 सेट हैं तो आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।